अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो लक्ष्मी की रोटोक्राफ्ट मशीन के ऊपर है। ये एक तरह की मिनी अम्ब्रेला इसको बोला जा सकता है, क्योंकि देखने में तो ये छोटी मशीन जैसी है, पर इसमें पार्ट जो लगे हुए हैं वो अम्ब्रेला मशीन जैसे लगे हुए हैं। तो आपको हम दिखाते हैं कि ये मशीन और अम्ब्रेला मशीन में आके क्या समानताएँ हैं, और फिर दोनों में कुछ असमानताएँ भी हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो शुरुआत करते हैं हम लोग पहले कि इसमें और अम्ब्रेला मशीन में क्या समानता है। पहला तो आप ये जान लें कि इसकी साइज़ सेम वही है जो सिलाई मशीन की है। अगर आप इसको अम्ब्रेला मशीन के साथ रख दें तो वही है, सिलाई मशीन जैसी साइज़, छोटी साइज़ की है, अम्ब्रेला मशीन से लंबी होती है। पर यह छोटी साइज़ में भले है लेकिन इसमें पार्ट्स सेम वही लगे हैं जो अम्ब्रेला मशीन में लगे होते हैं। जैसे इसमें आपका लिंक टेकअप सिस्टम दिया होता है, वही सेम चीज़ आपकी अम्ब्रेला में होती है। यहाँ पे लिंक टेकअप सिस्टम में होती है, सामने टेंशन होता है उसमें, वैसे ही इसमें आपका सामने टेंशन होता है। इसको ज़रा खोल दीजिए लिंक इसको, मैं लिंक खोल के आपको दिखाता हूँ। इसमें भी फुल राउंड शटल होता है, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये छोटी साइज़ में कंपनी ने इसीलिए बनाया है कि बहुत सारे लोगों के पास पौदान सिलाई मशीन के पहले से ही होते हैं, तो उनको अम्ब्रेला मशीन लेनी होती है तो वो ये मशीन ले लेते हैं ताकि उनका स्टैंड इस्तेमाल में आ जाएगा। बल्कि और जबकि अगर अम्ब्रेला मशीन ख़रीदेंगे तो उनको स्टैंड जो है ऐसा बड़ा स्टैंड लेना पड़ेगा। जैसे ये अम्ब्रेला मशीन है तो बड़ा स्टैंड, तो उनका रखा हुआ स्टैंड ख़राब चला जाएगा, इसलिए छोटी साइज़ में कंपनी ने बना दिया है। इसका भी खोल दीजिए। तो आपके पास अगर घरेलू मशीन की छोटी मशीन का स्टैंड पड़ा हुआ है तो आप ऐसी लक्ष्मी की रोटोक्राफ्ट ले लेंगे तो आपका प्रोडक्शन का काम, जो अम्ब्रेला में जैसे प्रोडक्शन निकलेगा वैसे ही प्रोडक्शन आपका इसमें छोटी मशीन लक्ष्मी की रोटोक्राफ्ट में भी निकल जाएगा प्रोडक्शन आपका। और स्टैंड आपको जो है नया ख़रीदना नहीं पड़ेगा, खाली मुंडी लेके काम चल जाएगा। तो सेम वही चीज़ है, इसमें भी आपका वही चीज़ है, लिंक टेकअप सिस्टम होता है। हाँ, एक चीज़ का आपको मैं दिखा दूँ, इसमें जैसे ये फुल राउंड शटल इसमें होता है, ये आप देखेंगे यहाँ से ये फुल राउंड, वो भी पलट दो, सेम वैसे ही अम्ब्रेला मशीन में आप देखेंगे तो नीचे से फुल राउंड शटल रहेगा। फिर आप जैसे इसमें भी देखते हैं कि ये गियर पे मशीन होती है, यहाँ पे गियर होता है, गियर बॉक्स लगा होता है, वैसे ही इसमें भी आप देखेंगे गियर बॉक्स लगा रहता है। ये गियर बॉक्स आप देखना चाहेंगे तो मैं मशीन को आपको ऊपर से दिखाता हूँ। लटा दो इसका वॉल्यूम, भाई खोल दीजिए इसका ढक्कन ऊपर से, ये ढक्कन खोलेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसमें आप ढक्कन खोल सकते हैं ऐसे रोटोक्राफ्ट में, अम्ब्रेला मशीन में ढक्कन जैसा कुछ नहीं होता है, इसमें ढक्कन जैसा कुछ नहीं होता है। ये ढक्कन खोल करके मेंटेनेंस में आराम रहता है, खोल के आप तेल डालेंगे तो आसानी से अंदर चल जाएगा। तो आप देख रहे हैं ना, जैसे ये गियर होता है, ये गियर है, ये ऊपर नीचे गियर होता है, इसमें तेल पड़ता रहेगा, मशीन एकदम साउंडलेस चलेगी, बे आवाज़ मशीन चलती रहेगी, आवाज़ नाम की चीज़ इसमें आपको नहीं मिलेगी क्योंकि गियर पे चल रही है। और अपनी घरेलू मशीनें जो होती हैं वो गियर पे नहीं चलती हैं। तो काफ़ी अच्छी मशीन है ये भी लक्ष्मी की एरिस्टोक्रेट, पर इसमें दो तीन कमियाँ भी हैं जो मैं आपको बता दूँ। अगर आप अम्ब्रेला की जगह इसको लेते हैं तो वो आपके दिमाग में होना चाहिए। जैसे इसमें आप देखेंगे कि मैनुअल, जैसे सिलाई मशीन में चाल से टाका छोटा बड़ा करते हैं वैसे ही इसमें है, इसमें आपका घड़ी होता है। पर इसमें देखिए आपको लीवर में क्या है कि आप जब नीचे इसको करेंगे और ये सीधे ऊपर भाग जाता है, रिवर्स आपने मारा मशीन उल्टी भागेगी, फिर छोड़ देंगे तो मशीन सीधी चलने लगेगी क्योंकि इसमें स्प्रिंग होता है। पर इसमें ये सिस्टम नहीं दिया होता, ये कारीगरों के लिए बहुत दिक्कत वाली चीज़ है क्योंकि कारीगर चाहते हैं कि ये हमने मशीन चलाया और रिवर्स मारा ऐसे और ये खट से ऊपर आ जाए, पर इसमें नहीं होगा ये चीज़, ये एक कमी इसके अंदर है जो आपको दिक्कत देगी। दूसरा, अम्ब्रेला मशीन में घुटना नीचे लगा होता है, जैसे ये घुटना होता है, या घुटना ऐसे ऐसे करते हैं, भलू भाई चापा गिरा को, ये घुटना ऐसे ऐसे आप करते हैं चापा ऊपर नीचे होगा, नीचे से पैर से मारेंगे ये चापा ऊपर नीचे, वो चीज़ आपको इसमें रोटोक्राफ्ट में नहीं मिलेगी, आपको मैनुअली चापा ऊपर नीचे हाथ से उठाना पड़ेगा, पैर से हाथ से ऐसा। दूसरा, इसके अंदर निडिल प्लेट जो होती है इसमें थोड़ा गैप कम रहेगा, इसमें सिलाई मशीन जैसा ही टाका रहेगा, थोड़ा छोटा ही टाका रहेगा, सिलाई मशीन में जितना टाका रहेगा इतना इसमें आएगा, पर अम्ब्रेला मशीन में आपका टाका थोड़ा लंबा आएगा,
क्योंकि मिडिल प्लेट में जगह ज़्यादा दी होती है, गैप ज़्यादा होता है। तो यही है, आपको जो सूट करे वो आप ले सकते हैं। एक ऑप्शन देती है कंपनी कि आप मिनी छोटी अम्ब्रेला मशीन ले सकते हैं, सेम अम्ब्रेला जैसे फीचर, पर दो तीन कमियां हैं जो मैंने आपको बता दिया। अब जो आपको सूट करे वो आप लीजिए।